नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार यानी 5 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के विरोध में आज राजस्थान बंद करने का आह्वान किया गया है। इस बीच एक खुलासा यह भी हुआ है कि राजस्थान पुलिस को पहले से ही ऐसी किसी घटना की अंजाम दिए जाने के इनपुट दिए जा चुके थे। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने हत्या होने के 7 महीने पहले ही राजस्थान पुलिस को हत्या की साजिश रचे जाने के लिए लिखित इनपुट भेज दिए थे। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को पहले ही अलर्ट कर दिया था और बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर संपत नेहरा उसकी हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस ने यह भी इनपुट दिया था कि हत्या की साजिश के लिए उसने AK-47 का इंतजाम कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हत्या के बाद रोहित गोदार ने फेसबुक पर हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने लिखा है कि भाइयों, आज सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हो गई। मैं इस हत्या की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ये हत्या मैंने ही करवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोगामेड़ी हमारे दुश्मन की मदद कर उसकी मजबूती के लिए कार्य करता था। वहीं आपको बता दें कि DGP ने लोगों को शांत कराने के लिए अपील की है सभी से। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस द्वारा सख्ती नाकेबंदी कर संभावित ठिकाने पर दबिश दी जा रही है। उन्होंने लोगों को धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील की है। आइए जानते हैं मौजूद लोगों से कि क्या कुछ कह रहे हैं वहां पे मौजूद लोग। धोखा हुआ है, धोखे के साथ, विश्वासघात के साथ हत्या की गई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की। और दुर्भाग्य इस बात का दुर्भाग्य है कि जब पता था कि उन्हें धमकियां मिल रही है तो सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। वो सारी बातें छोड़ो, गोली का जवाब गोली से हमने मांगा है। भाई, जो हत्यारे हैं और उनके सूत्रधार हैं, उनका एनकाउंटर हो, ये मांग समाज कर रहा है, तो हम भी उनके साथ ही खड़े हैं। क्योंकि गिरफ्तारियों से होगा क्या? फिर वो जेल से निकल जाएंगे, फिर हत्या को अंजाम देंगे और निष्पक्षता से जांच होगी तो सूत्रधार तक पहुंचा जा सकेगा और सूत्रधार का भी एनकाउंटर हो, ये मांग लेके आज समाज यहाँ बैठा है। और मैं दुख इस बात का है कि सरकारें और जो राजकीय जो प्रशासन है वो अभी तक कहीं भी कोई हरकत में नहीं आ रहा। और CCTV फुटेज है इनके पास और इनके पास पूरी जांच एजेंसियां इंटेलिजेंस है, फिर क्यों अभी तक इन गिरफ्तारियों को अंजाम नहीं दिया जा सका? तो ये तो निश्चित है कि जब तक न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है। ये तो शुरुआत है और यहाँ और बहुत ही संख्या में समाज इकट्ठा होगा और न्याय और अधिकार लेके ही हम मैदान छोड़ेंगे। साहब, पूरे भारत वर्ष में बंद का आयोजन होगा। साहब, गुजरात नहीं, पूरे भारत वर्ष में करणी सेना की स्थापना हो चुकी है और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की ऐसी स्थिति थी जिसने पूरे भारत वर्ष में इस संगठन को बड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और मैं तो कहता हूँ, ये तो छोड़ो, आवश्यकता पड़ी तो संसद भवन को घेरने की भी मैं तो तैयारी रखता हूँ साहब। और ये भारत का क्षत्रिय कमजोर नहीं है, उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया। जिन्होंने भी डाला है, गलत जगह डाला है। मेरे पास कोई एक ऐसी पोस्ट आई थी जिसके अंदर कोई गोदारा रोहित गोदारा कोई बंदा है, वो इसकी जिम्मेवारी ले रहा है। तो रोहित गोदारा यदि उसके अंदर इतनी हिम्मत होती तो खुद आके लड़ लेता ना। वो दूसरे देश में बैठ के वो यहाँ पे भड़वाई कर रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं बिल में घुस के यदि वो इन्वॉल्व है तो वो उससे बड़ा नपुंसक तो कोई है ही नहीं। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, इतनी सारी हत्याओं का अंजाम ये लोग दे चुके, गैंग वॉर चल रहा है तो इसका खात्मा होना चाहिए। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि लोकसभा में जब क्षत्रियों के आपको वोट चाहिए, लोकसभा चुनाव है, यदि वोट चाहिए तो आपको हमें न्याय देना होगा और इस गैंग वार को खत्म करना होगा और जितनी भी गैंग है इस भारतवर्ष में उसको अंत लाना होगा, तभी न्याय और अधिकार की बात होगी।